रेडियो कि बड़ी देश में सारे मरेंगे क्या? हटाओ इस चैनल को। पापा पापा लाठी डाल रहे हैं, वो जो कचरा डाल दो। अबे यहाँ देख इरफान भाई चले गए यार, कपूर साहब चले गए, मुझे खुद पसीने आ रहे हैं। तबियत खराब है मेरी, मैं देश देखू तुझे देखो चला दे मरने के बाद। पापा पापा निकल जाएगी। सोना इसे ले जा यार, यहाँ बिठा दे इसको लैट्रिन में। आज सुबह दिखता नहीं है, खाना बना रही हूँ नहीं, तुम कौन से बड़े बड़े तीर मार रहे हो, तुम कर दो। अरे यहाँ आके देख, यहाँ इरफान साहब निकल लिए, यहाँ ऋषि कपूर साहब निकल लिए, और तेरा ये लौंडा ये भी कुछ निकाल रहा है। इसे लैटरिन में बिठा दे और यहाँ इसके सेल ला दे, चल नहीं रहा, यहाँ आके चैनल चेंज कर दे। बोले जा रही है वहां से, और तुम खुद एक चैनल चेंज नहीं कर सकते हो क्या? पापा पापा निकल जाएगी। अरे सोना यार आजा भाई, इसके पिछवाड़े दुख दुख के लाल हो गए हैं, और एक चाय बना ला यार, मेरा खुद मूड खराब है यार, जल्दी आजा। और ऐसे में आज सारा दिन बाहर नौकरी करो, घर के काम करो, तुम्हें संभालो, सागर को संभालो, मतलब कभी कुछ हिला लिया करो या खुद हिल जाया करो। अरे क्या बात कर रही हो यार, हमने एक उनसे सागर बना लिया था, कितना बड़ा सागर। कालू कौन सी दुनिया में जी रहे हो, सारा दिन आलसी की तरह घर पे पड़े रहते हो, कभी सोचा दुनिया वाले क्या बोलते तुम्हारे बारे में? अरे जय तो टैलेंट है। अब लोग क्या कहेंगे, अपनी बीवी के होते हुए नौकरी कर रहा है, कैसा मर्द है, लानत है ऐसे मर्द पर। पता नहीं किस मनहूस घड़ी पे मुझे तुम मिली थी। ऐसा है मैडम, घड़ी तो मनहूस नहीं थी, लेकिन तुम ना बार बार मेरे फ्लैशबैक्स में मत जाया करो। भाई कालू सुन मेरी बात, हमारे लिए तेरा घर यही खत्म हो जाता, तो अंदर कौन जाएगा? कॉन्फिडेंट रहे ना। अरे यार तुमने टोक किया है भाई। अबे ले माता का नाम और गुच्छा। ओए सुन सुन सुन, ये दे जा, तू तो फेल है, मैं तो पास हूँ। चलो चलो चलो, साला पास क्या हो गया, साथ में तो जीना ही आराम कर दिया सुबह से यार। देखो जी, फेल हो या पास, वो रहेगा मेरे पास, तू मुझसे कुछ मत करियो, हाँ मेरा ही लाड लाया, अकेले मैंने ही पैदा कर लिया, तुम तो उसके कुछ भी नहीं लगते हो। पूछ ले कहाँ से आ रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट कॉलेज से आ रहा हूँ, और डायरेक्ट खबर भी तो बताओ क्या है, याद में क्या दिक्कत है, थोड़ा कर लिया। अब आपको क्या पता क्या हो, क्या ट्रॉफी घर में किसी को आई हो तो पता भी हो, भीख मांग रहे हैं कटोरा ही दिखेगा। अरे पापा ने ट्रॉफी मिली, मैं कॉलेज में मैंने टॉप कर दिया, कितना मुनहार है मेरा लाडला। अबे 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 रोक 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 बे, ओए हमारे शहर में ऐसा माल और हमें ही नहीं पता। हाँ चल चल चल, अबे अपने शहर में इतना सुंदर माल और हमें खबर ही नहीं। हाँ और तूने भी नहीं बताया कभी, मुझे भी नहीं पता था जी। चुप सामने देख, ये तो साला हम पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रह गए। हाँ आज से पढ़ाई लिखाई तो बंद और प्यार की क्लासेस शुरू, यही बनेगी तुम्हारी भाभी। अबे तेरे पास मोबाइल है क्या? हाँ जी, ला दे। लो जी फेसबुक पे डलेगा, भाई हो गया कमिटेड। चल तू चल 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 चल। फोन देख, मैं जा रहा अपना फोन देख। अच्छा जी, लो जी।
हाँ भाई अबे कहाँ हो भाई? ताला लगा रहे हैं। ताला लगा रहे हो क्यों भाई? तो बात नहीं हुई थी, क्या बातचीत करेंगे? अच्छा सुनो यार, तुम ऐसा करना, ताला लगा के चाबी ना मीटर के ऊपर रख जाना, मैं भी आके नहा धो के फ्रेश होके मैं भी वहीं आता हूँ। और सुनो, अब तुम्हारे लिए भाभी ढूंढ ली है। भाई क्या बात कर रहे हो भाभी? हाँ अबे आगे बताता हूँ। ये तो बता पापा ने क्या कहा। हाँ इसे भी बताता हूँ, चल ठीक। चल भाई जरा कमरे पे ले ले यार, चल। बस सब रे आज ही कॉलू फैल हुआ, आज ही भाभी मिल गई, तो भी फैल हो जाता। अरे और भाभी मिल जाती, चल। भाई भाभी दिखने में कैसी है? तू हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे जिसे हमने पसंद कर दिया वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। कोई शायद नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कोई निशानी तो बताओ। अबे उसकी सॉरी मिस्टेक। बताओ भाभी को हम पहचानेंगे कैसे? वो हंसती बहुत सॉलिड है। अच्छा बेटा सहेली मिल गई, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125,000। ये क्या, हर बार की तरह इस महीने भी पूरी सैलरी तूने पापा के हाथ पर लाकर रख दी? अपने लिए भी कुछ बचा के रखा है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी पापा? मैं आपकी बच्ची ही तो हूँ, जब मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं अपने बड़ों से ही तो मांगूंगी। हाँ क्यों नहीं, मांग लेना बेटा, आखिर तू मेरी बेटी तो है। बच्चे जब बड़े हो जाए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने लगे तो बड़े की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना फर्ज पूरा करे। अच्छा एक काम करते हैं, आज बाहर चलकर डिनर करते हैं। तू तो अपनी सहेली के साथ बाहर जाते हैं, आज अपने इस दोस्त के साथ घूमने चलते हैं। और बिल कौन देगा? पापा। पागल, सब तो तेरा ही करें, दोस्त आज से तू ही तो देगा वो सारी। पापा दोस्तों में नो सॉरी और नो थैंक्स। चलो चलो अब जल्दी चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चलो। अच्छा मुझे ये बताओ कौन सबसे बड़ा? भाई शंकर सबसे बड़ा। शंकर बड़ा तो हिमालय में क्यों बड़ा? तो हिमालय बड़ा। अब हिमालय बड़ा तो धरती पे क्यों बड़ा? भाई धरती बड़ी है। अब धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी? भाई शेषनाग बड़ा। अबे शेषनाग बड़ा तो शंकर के घर में क्यों बड़ा? शंकर बड़ा तो मंदिर में क्यों खड़ा? यार तुम ही बताओ यार कौन बड़ा? भैया वही सबसे बड़ा जो इस रेस्टोरेंट में भी हो पड़ा। क्या मैम? दाल चावल और दो प्लेट चिकन जी, और स्वीट डिश में बाद में। भाई खाने में मजा आ गया, अच्छा ना? वेटर आप भी होगा? आप नहीं मैंने कौन वो जो सामने बैठे हैं उनसे मत लेना बिल, क्योंकि हम दे चुके हैं उनको बिल। ये गरीब आदमी के पास होता है क्या है? दिल ही है देने के लिए, और आप क्या देख सकते हो? ज्यादा हो गया तो मैडम पहले आप इन्हें देख लो, बाद में तो हम देखेंगे। देख लिया ब्रो, फैमिली वाले बैठे हैं। देखिए भाई साहब। देखिए मैम मैं भाई नहीं हूँ, हाँ साहब जरूर हूँ। वो सब छोड़िए, आपने मेरा बिल क्यों पे किया? मैम हमने तो दे दिया आपको दिल, आप अभी तक सोच रही है बिल। भाभी तुम्हारी जब तक इधर की लाइट जलेगी नहीं, इधर की आएगी नहीं।
ले आ हमारा बिल बिल क्योंकि चला गया हमारा दिल दिल बस यहाँ का ऑफिस चलो भाई मिलते हैं फिर सब बाय वो तो गए तो मैं क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ अरे मैं कहाँ जाऊँ साहब बिल्ली दे रहे अरे साहब अरे भाई आज के जमाने में ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं अपने दोस्त के पास होने की खुशी में पूरे रेस्टोरेंट को फ्री में खाना खिला दिया भाई वाह मजा आ गया इसे कहते हैं जिम्मेदारी पापा इसे जिम्मेदारी नहीं कहते इसे कहते हैं फिजूल खर्च अभी चल सोने चलते हैं पापा सुबह काम पे जाना है जी से ना तलवार से बंदा डरता है होटल वालों की मार से मैं बहुत मारा भाई सालों ने बहुत देख मेरी आंख देख भाई देखना धार एकदम ओके हो गई है इसे देखो ये अपनी आंख देख अब बस तुम ऑर्डर दो मैं दूं कैसे ऑर्डर मेरा खुद पाउडर निकला हुआ है भाई राम 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 कहाँ भाग गए थे मैं सालो भाई टैटू बड़ा मस्त लग रहा तुझे भी बनवाना भाई बिल्कुल भाई तुम आगे चलो हम पीछे सब साफ है अबे साफ तुम सारे हो गए भाई इतना मारा ढाबे वालों ने मैं उनके सब मैं मैंने कर दूंगा अरे मेरी माँ बहने को की ये पकड़ सोना सुबह ऑफिस टाइम से निकलेगी जाओ उसे उठा के लाओ करम करम आई बहुत मारा अबे तू क्या कर रहा है तेरा क्या तिलक करूं जा रहा भाई ये ठीक है उसे अभी क्या बात मैडम क्या हो गया दिख नहीं रहा पंक्चर हो रखा है अब मैडम खुद में पंक्चर नहीं कराना ए भगवान मेरी सोना का क्या होगा ये साले कहीं उसके साथ कुछ करना दे सोना मैं आ रहा हूँ जानते नहीं हो हमें नहीं जानते हो मेरे पापा आईजी हैं चचा विधायक हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे मेरी जान तुम्हारे घर में माम है नहीं है क्या माम बाप के लिए बहन चीजों के लिए और तुम हमारे लिए मेरी जान तो भाई आज तो अंग्रेजी वाली चुम्मी होगी सारा बात ही है चलो रे गाना गाओ जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो जानू खुल गया चैन और बटन मुश्किलों में है बदन चलो जानू अब फुर्ती से कुर्ती तारो ओए प्यार के नेता को लालू कहते हैं जंगलों में जो रहे उसे भालू कहते हैं जो आज तुम सबकी माँ बहने करेगा उसे कालू कहते हैं क्यों दिखा रहे हो इतनी फुर्ती अभी खा रहे हैं हम सुरती तेरी सुरती खाने की वेट करें क्या अब एक मिनट ये देख रन
वैसे आपका नाम क्या है? जी वैसे तो मेरा नाम कालीचरण है, लेकिन लोग मुझे प्यार से कालू कालू बोलते हैं। कालू कालू दो बार भी नहीं है, एक ही बार है, इतना काला नहीं हूँ। और सुनो, आज से आपको ना अपनी शादी ब्याह किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, शादी ब्याह की टेंशन क्यों लूंगी? अरे भाई, आज आपके साथ रेप हुआ है, और ऐसे लड़कियों से कोई अच्छे घर का लड़का शादी नहीं करता। रेप हुआ नहीं है, रेप होते होते बचे। मतलब आप करा के मानोगे? सोना जी, आपको नहीं पता, आप बहुत भोली हो, सुन लो मेरी बात, कान खोल के, कल आ रहा हूँ आपके घर रिश्ते की बात करने, टेंशन मत लो, अब मैं हूँ लाइफ में। हेलो हेलो सोना। कौन? कालू कालू। इतने भी काले नहीं हो तुम, वैसे मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे यार ये सब छोड़, अच्छा ये बता अपनी फैमिली को कब मिलवाऊं? ओके मिस्टर कालू, पहले तुम तो मिलो मुझसे। अच्छा मुझसे मिलना है, तो आ जाओ नीचे। मतलब? अरे मेरा मतलब है अपने घर के नीचे। क्या? हाँ रुको आती हूँ। हाँ, आ जाओ। Are you crazy? देखो वो मैं बचपन से हूँ। I mean, तुम अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से मिलवा रहे हो, शादी की बात कर रहे हो, मुझे कितना जानते हो? देखो जान पहचान के लिए पूरी उम्र पड़ी है, करते रहना। लेकिन जो लड़का 3 दिन के अंदर तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम रहती कहाँ हो, क्या करती हो, कितना कमाती हो, सब पता लगा सकता है, तो सारी जिंदगी पड़ी है जान पहचान करने के लिए, कर लेना। और एक बात सुनो, ये कालू करता है तुमसे प्यार, जिसे कहते हैं आई लव यू, शादी तो तुमसे ही करूंगा। और एक बात ध्यान रखना कि दिल के मामलों में ना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मेरी फैमिली को कैसे कन्विंस करूं? अरे वो तो हमारे पास टैलेंट है, तुम तो हो जाओ। देखो तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारी इन बातों में रह गए, ये रखो, निकलता हूँ, बाय। एक बार भी याद नहीं करोगे मुझे? अरे बुलाई कौन है? कहाँ हो? अरे यार घर जा रहा हूँ, मम्मी पापा से बात करते, अगर ये रिश्ते की बात करने मेरे साथ चलते तो ठीक है, वरना भैया ये गली थी। ओके ठीक है, ओके भाई। मम्मी मम्मी। हाँ भाई, पापा बस इतना भी नाटक मत करो, किससे मिला भूल गए, मुझे याद आ गई हमारी, ऐसा बस झूठ मत बोलो, आपको मेरी याद आई, मैं काम कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। तो गए थे तेरी अपॉइंट कराने के लिए। अच्छा, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि वो तो जहाँ है बहुत खुश है, उससे दूसरे ही तंग है। और आप सुन के आ गए तो मैं और क्या करता मैं, मतलब मेरी तारीफ बोल दी सब जगह, ये मेरी तारीफ है? तुम्हारी तारीफ तो बहुत हो भाई। अच्छा पापा ऐसा है, मुझे अंदर आने दो। क्या करना पापा, जो बात है बाहर सड़क पे नहीं होने की। ऐसा क्या करना, क्या बताओ मम्मी पापा, इनको रुक जाओ ना मम्मी। अरे आ गया मेरा कालू, मेरा लाल कितना काला हो गया है। पहले तो ये बहुत गोरा था, फेयर एंड लवली की एड में आ रहा था, जितना पहले था इतना ही। अब बात सुन लो आप सब, मेरा भी कोई आने का मूड नहीं था पापा, मुझे पता है नाराज हो, अब भी एहसान कर रहे आगे। आप दोनों चुप हो जाओ, मैं जो बात करना है बोल लूं। मम्मी ऐसा है जी, मुझे तो पता था कि पापा तो मेरा कहीं रिश्ता कराने की नहीं, मुझे ऐसे ही मारते हैं कुंवारा। मैंने लड़की देख ली है, उनके घर रिश्ते की बात करने जाना है, आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे साथ उसके घर चलो और मेरे हाथ पीले कराओ, मैं यहाँ आने का भी नहीं। और बताओ ये तेरी माता जी चली जा रही तेरे साथ में? अजी घर में जैसे खुशी का माहौल होता है तुम्हारी तो टाइटा शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या करते रहते हो। अरे मेरे लाडले बेटे की शादी है, चलना जरूरी है। चलो भाई, जब ये इतनी जिद करेगी तेरी माँ, चल देंगे तो मेरा बन गया। तो समझ लेना फिर। चलोगे ना? बस ठीक है, अब कल हम यहाँ से सब चलेंगे, और वहाँ ऐसा मत दिखाना कि बस क्या काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, कहते ना कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं भी करेगा तो मेरी तेल की दुकान में बैठ जाएगा। वो तो स्मेलर है ही अपना भाई, मैं तो सब झूठ बोलूंगा। बस ठीक है, बस ठीक है, एक बार बोल देना पापा थैंक यू, आशीर्वाद दो मुझे, मम्मी आशीर्वाद दो, और चलो कल। अजी बचपन से ही बड़ा होनहार बच्चा है हमारा कालू, जरा सा सांवला है, थोड़ा सा बावला है, दिल का नेक है मगर लाखों में एक है। लेकिन भाभी जी आपने ये तो बताया ही नहीं, ये करता क्या है? अरे भाई साहब करना क्या है, हमारा तो पूछते नहीं, देख के इसके लगता काम है।
कुछ नहीं करेगा तो हाथ बताए। हाँ जी पापा के साथ बैठ जाऊंगा जी। आप भी तो ऐसे ही थे, शादी होगी जिम्मेदारी निभा लेगा। अरे मैं जिम्मेदारी आई तो क्या इन्होंने ना निभाई। वो सब तो ठीक है लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचा है आंटी? सॉरी क्या है ना मम्मी जी, आप ये देखो जी मेरी मार्कशीट, अभी कॉलेज से पास आउट हुआ जी, और अब शादी करके अपना 5-6 महीने हनीमून होके नौकरी भी कर लूंगा जी। अरे वाह बेटा, तुमने तो कॉलेज में हर साल टॉप किया है लेकिन कभी किसी न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम नहीं पढ़ा। वो क्या है मम्मी जी, बस मैं तो जी शोबाजी में बिलीव नहीं करता जी। लो जी लड़की भी आ गई, तो बहन जी हमें रिश्ता पक्का समझे? हाँ, जब मियां बीबी रेडी तो क्या करेंगे मम्मी डैडी। अबे हाथ बात भी धोए तुमने? नहीं। हाँ हाँ धो के आई हूँ। तो यार ले पैर दबा देना यार। कालू हमारी शादी को 7 साल हो गए ना? हाँ 7 साल हो गए हैं, और 7 सालों से हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। 7 सालों में कितना कुछ बदल गया है। अरे क्या बदला है, तुम्हारा सिर्फ साइज बदला है, सामने वाले के कपड़े बदले हैं, वो पेंट बदल गया है, इतना ही कुछ बदला है, बस ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन तुम नहीं बदले, वैसे के वैसे निकम में 7 सालों से। अरे पागल तुझे खुश होना चाहिए, घरवाला बदल जाए तो टेंशन, तेरा घरवाला 7 साल से सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, असली मर्द वही होता है। और रही बात निकम में पन की, देख मैं भी जानता हूँ लेकिन मार्केट में कोई अच्छा काम नहीं है। अब तुम अगर ये चाहो मैं चाय वाले के वो बर्तन धोऊं, अब कोई मोदी नहीं बनता। ये सब ना मैं 7 सालों से सुन रही हूँ, जॉब ऑफर आएगी, मुझे कुछ होगा तो मैं जाऊँगा। भाई जॉब ऑफर तो उसको आती ना जिसकी एजुकेशन हो, वहाँ तो मार्कशीट भी नकली है। पर मेरी वाइफ तो असली है, तुम्हारे लिए तो बनवाई थी। सुनो ये हर चीज नकली नकली करके ना कहीं असली बीवी को भी ना खो दे, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी होगी। मैं तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं हूँ, मुझे सुबह से काम पे जाना है तो मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, अबे बाय। अरे क्या बेइज्जती से कर जाती है हर बार ये। अरे भगवान तुम्हें घरवाली दिया है परमाणु मिसाइल, हर बार आगे मुझे लगती है। अबे चेटी भाई आप दिल्ली आई? अरे कब आए आप इंडिया? अरे कल पहुंचती है सहारनपुर, अभी भी कल पहुंचती है। ठीक है भाई, फिर कल होती है मुलाकात, होते हैं दो दो लवली लवली। भाई की तरफ से चेटी की तरफ से होगा। चलो ठीक है। हाँ भाई आए अभी भी, अभी भी मरहबा 25 तोला। लेकिन आपने इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा लिया भाई? अभी भी बेटे बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट ठीक है, शॉर्ट में वरना दिमाग गड़बड़ हो जाता है। अरे माँ कुत्ता दो रहा था, माँ चिल्ला रही थी क्यों? अरे हम होने वाले थे। अरे भाई होने वाले,
अब पैदा हुए थे। सारे बोल रहे हैं शेटी भाई आएंगे दुबई से, उनसे अपने भी काम की बात। मरहबा मरहबा। सो काम आई कालू। मजे कर रहे हो, अपने दोस्त से काम की बात भी कर लेना। पीने मतलब जाना। भाई मरहबा। लेकिन वो भाभी, आपकी भाभी ने बोला है कि भैया आपसे मिलने आऊं, तो भाई आप देख लो यार क्या करना है। अभी भी जब तुम नहीं हो ना तो खा भी, खूब खा किया, खूब खा। मेरी जिम्मेदारी सारी बच्चे ने पीने खाने, खूब खा। मैं जरा भी हो गया आ रहा हूँ। सागर बेटे मम्मी से बोल चाय देगी। सागर स्कूल चला गया। अरे यार तुम दे दो। जहाँ से पी के आयो वहाँ पी लो जाके। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग। अब ये बताओ काम की बात की या नहीं? क्या काम की बात कर रहा है? जैसे काम की बात करूँ उसको लगता है कि हम वेल सेटल्ड है उसकी तरह। अब उसे कैसे बताऊँ मैं बेरोजगार हूँ यार। तुम बेरोजगार हो ये असलियत एक्सेप्ट करके आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? 100 रुपए जब तुम्हारी उतर जाए तो जाके पी लेना। मैं जा रही हूँ ऑफिस। भगवान घरवाली दे तो ऐसे ही दे, 4 साल बाद दे। सब आ जाना आज मेरे ठेके पे, देसी खुलेगी एकदम मछली। अबे अभी तो सभी भी की रात की दली दी है उतरी, तुम फिर शुरू हो गए। मरहबा मरहबा। चल आता हूँ फ्रेश हो गया आता हूँ। ओके तेरे ये है भाई। मैं लायन सुनाता हूँ। लायन दुल्हन वही जो पी अमन भाई। अबे पूरा तो सुन लो यार। इर्शाद ठीक है पड़ा रहा है, मैं कुछ और क्या हूँ। अच्छा मैं तेरी दुल्हन वही जो पी अमन भाई। पी है वही जो पी जाएगा भाई। एक शेर हो जाए भाई। ये है शराब पीने वाला। ओह नो। ये है शराब पीने वाला, इसे तुम क्या मारोगे? ये है घुल मरने वाला। मैं अपना ठेका होने का एक ही पर दारू असली गुजरेगी। अब दो पैक अंदर कुछ पता नहीं क्या असली
और ये लगे ले भाई, पता नहीं हर साल कितने लोग नकली शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। भाई मिल नहीं रहा, तू बाद में मिला लिए। तो भैया असली चीज तो हमें हजम भी नहीं हो सकती, इसलिए भारत है। भारत माता की जय। चलो तो भैया हमारे बच्चों की माता का फोन आ गया, हम रहे आज कल मिलेंगे आपसे कल। ओके बाय बाय। पेमेंट कर दिए है। अबे मैं उसकी माँ बहन एक कर दूंगा, मेरा मतलब है रिलेशन अच्छे कर दूंगा। भैया फोन रख दे जल्दी, चल बाय। सुना तुम इतना जल्दी, ये क्या है, कौन मर गया, किसकी तेरी भी कार्ड है ये? ओ तुम्हें तो इंग्लिश में नहीं पढ़नी आती है भाई, तुम पढ़ दो ना। इसे रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं। अच्छा हमारी इंग्लिश कंपनी ने एक और स्टाफ कम कर दिया, मुझे इस्तीफा लेटर पकड़ा दिया। चलो ठीक है ना, नौकरी के नौ काम दसवा काम। यस सर आज से तुम अपना बिजनेस करो। नहीं अब मैं भी तुम्हारी तरह बेरोजगार हूँ, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस घर का किराया, सारे खर्चे, बिजली का बिल निकाल के मेरे पास सिर्फ ये 2000 रुपये बचते। लो लो रख लो रख लो, तुम्हारे काम आएगा, क्यों मैं तो चली। ठीक है अबे जब अंबानी आया था उसके पास 1 रुपया नहीं था और मेरे पास है पूरे 2000, पूरे 2000। वॉशिंग पाउडर बाबा मैं आ रहा हूं। जय हो। धर्म की, धर्म का ये बाबा की बोलो, वॉशिंग पाउडर बाबा की। हमारी 55 साल की तपस्या का निचोड़ है वॉशिंग पाउडर थेरेपी। वॉशिंग पाउडर बाबा की जय। वॉशिंग पाउडर बाबा की जय। ये जीवन क्या है, क्या है ये जीवन, क्या है ये जीवन, ये कौन समझ पाए। ले बाबा की जय। जो बोलो बाबा ये बिजारवार 108 की जय। बाबा क्या बात बच्चा, बहुत व्याकुल नजर आ रहा है। बाबा जी नया धंधा शुरू करने जा रहा, आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बना दीजिए। धंधा नया तो नोट भी नया लाया है। बोलो बाबा जी की जय। क्या इसका इस्तेमाल कर और अपना धंधा शुरू कर दे, देखना अब इसकी किस्मत सवर जाएगी और दूसरी सफेदी इसके घर आएगी। बोलो बाबा की जय। मेरी बेटी मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर सब दे दे। अरे छोटू सामान वापस है, वापस रख सारा सामान वापस। क्या हो गया? अरे दुनिया का फोन जो बना था लगता है किसी ने तेरा ही बना दिया। थोड़ा गुरु जी आपने मुझे नकली नोट दे दी गलती से। नकली? बच्चा ये दुनिया ही नकली है, किस किस को रोएगा। बाबा जी मुझे मेरे 2000 अपने पकड़ो जो भी है। बच्चा तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। बाबा जी आप मेरे दिल से मुझे याद है,
अबे भारत बंद नगरी रोटर का क्या काम है? देखा सामान आ रहा तुझे? तो भाई आगे बैठो तो बाहर। ऐसे तो रोटी बाटते हैं यहाँ पे इस रोटी काम लो। बैठो तो आगे। बावली जल्दी रेडी होंगे। बस सोच रही थी। अब सोचने भी लगी? तुमने शादी की बात कभी मुझे आई लव यू नहीं बोला। अबे क्या इसमें बोलना क्या है, ये तो भाई अंडरस्टूड है। नहीं कभी रोमांटिक मूवी दिखाई। रोमांटिक मूवी तू ऐसा कर कल चल, घायल तू लगी हुई है। सनी देओल ऐसे मार रहा है घुमा हुआ के मुक्के भी शुम। सनी देओल रोमांटिक है यार? तुम्हें इतना साफ सुथरा लड़का रोमांटिक नहीं लगता है? तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। मैं क्या बात कर रही है, ये सागर के बगैर रोमांस क्यों हो गया था? ऊपर से टपका है ये, हैं? मैंने कोई रोमांटिक गिफ्ट भी नहीं दिया मुझे। रोमांटिक गिफ्ट? अरे यार मम्मी ने जो पराठे बना बना के देती थी, सब्जी देती थी, सब तुझे खिलाया। घर की चीज तुम्हें गिफ्ट नहीं लगती। मुझे आई लव यू बोलो। देख यार वो नहीं बोला जाता। मुझे आई लव यू बोलो। शर्म सी आती है, कैसे बोलूं? आई लव यू बोलो। अच्छा आई लव यू, ठीक है? अब खुश है? चल ठीक है। पता है तुम्हें इतनी कमी है, फिर मुझे तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो? क्यों? फिर मुझे मालूम है कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। चला जा, सो जा। तो बहन जी शुभ काम में दीदी कैसी, तिलक कराएं? चलो जी चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम बुढ़िकाक्षाय मंगलाय तनोहरी। बहुत बढ़िया जी, तालियां। ले भाई ले, आज तो नोट भी आ गए। मिठाई दे दो जी, उधर दे देंगे। चलो धन्यवाद। तो लो जी बहन जी, लड़का दिया हमने रोप, अब लड़का हुआ हमारा, और अब होगा लड़के के साथ डांस। अरे बाजा बजाओ रे बैंड वालो, चलो। अभी ना जिस लड़के का यहाँ तिलक हुआ, मैं उस पे और अपनी घरवाली पे दोनों नोट लगाऊंगा। देख ले ये रे भाई, हाँ तू आइयो और ये ले जाइयो, और सुन बाद में मुझे 200 रुपये वापस कर दियो। जी भाई साहब 200 रुपये? क्यों जी? बंदा चल रहा, बंदा चल रहा जी। भगवान तोड़ देगा, भगवान तोड़ देगा, थोड़ी देर बाद तू भी मुझे बहुत गालियाँ देगा। अरे कुछ नहीं, चल तू 800 ले ले, चल।
चाचा आज तो मजा आ गया, पकड़ 500 तेरे, 500 मेरे। एक हिस्से ले ले भाई, लकड़ी लो, इधर नोट लकड़ी है बिल्कुल, बना दे तेरा खुद तू क्या है दिखा। ये भी लकड़ी है भाई, चलो उन्हें पकड़ ले। आज तो मजा आ गया डांस करके, आज हम टैक्सी में चलते हैं। ओ भाई ये लकड़ी नोट हमें दे दिए। अरे मैंने कहाँ दिए, ये आपने दिए, गरीब आदमी के हाय देते पता नहीं होता। ये भाई साहब आपने दिए, ये लड़का कह रहा है। हाँ जी तुमने तो दिए। कब? अभी तो आपने नाश्ते को दिए थे, 500 को तो किसी ने दिए भी नहीं। चलो नहीं। मुझे ना गरीब आदमी की हाय चाहिए ना बाय चाहिए, मेरी हाय तुम्हें लगेगी। चलो तुम चलो यार। साहब को ईगो प्रॉब्लम हो रही है, टैलेंटेड हो ना, मैं तो चला ही लूंगा। मेरी बात मानो, ये नकली नोट एक कागज के टुकड़े हैं, इनको फाड़ो और फेंक दो और कुछ ढंग का काम करो। इस देश में आटा नकली, दाल नकली, दवाइयां नकली, यहाँ तक हर चीज नकली सब चल रहा है, तो मेरा नोट क्यों नहीं चल सकता? अरे इसके बदले तो मैंने असली दिए है। देख सोना, ये नोट तो मैं चला के ही रहूंगा। तुम्हें सारा करप्शन अपने अंदर ही करना है, जब से मेरी नौकरी गई है तब से तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है, उसका सही इस्तेमाल करो, हमारा कुछ भला करो। खैर चल भाई तू चले यार, मुझे मम्मी के पास छोड़ दो। कालू हाँ। कल रक्षाबंधन है हाँ। वैसे तुम्हें याद तो होगा नहीं, दीदी का फोन आया था, उनके पास जाना है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ घर की बातें भाग जाए। भाई चला चला के थक गया, पर ये नोट नहीं चल रहा। ये चलेगा अब कल, अब तू चल। क्या खजाना दे रखा है, चल जाकर रोटी खा ले, वो नहीं आने का। मुझे भूख नहीं है, आपको खाना खाना है, आप खा लो। तुझे लगता है वो आएगा? मेरे भैया जरूर आएंगे। अरे भैया नहीं, हो गया करण अर्जुन, हो गया जो आएंगे मेरे करण अर्जुन। पिछली बार भी रात को आया था और बुक कर आने की वजह से तुझे एसिडिटी होगी, तो हमारी ऐसी तैसी होगी थी। तो कराओ अपनी ऐसी तैसी, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे खाना, आपको खाना है आप खा लो। अरे तो जा मर भूखी फिर, चल चलो चलो। हाँ भैया, हैप्पी रक्षाबंधन। हे भगवान, चलो। और बहन सब बढ़िया? हाँ भैया सब बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं सब अच्छा है, जल्दी आप बताइए जॉब ऑफ ठीक? चलो अच्छी बात है, जल्दी आ गए ना। हाँ आज तो आप जल्दी आ गए। चल फटाफट घर पे राखी बांध दिया। ठीक है मेरे भैया, राखी के बंधन को निभाना भैया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। लो भाई लो भाई, लाला मुंह मीठा करा दे, दिखा भाई। बहन होता है ये चार साल बाद बहन तू ये ले। अरे रख ले बहन, तेरे भाई दे रहा है रख ले। पर ये तो बहुत सारे हैं भैया, तुझे ज्यादा लग रहे हैं क्या? तू वापिस ले तो। अबे मजाक करो, ले रख ले, कभी कभी तेरा भाई को देता है। इतने सारे तो बहुत सारे हैं भैया, भाई के पास बहुत पैसा है, टेंशन ना ले। आप कहते हो तो रख दे भैया, कुछ खाते तो जाओ। मैं खाना तो खाऊंगा नहीं, भूख नहीं है। पर क्यों भैया? ऐसा है तो हमारा पैक कर दियो। चले भाई बेगम भाई। अरे भगवान, अब तो रोटी खा ले जा रहे। हाँ हाँ अब तो खा ही लूंगी।
देखो आज मेरे भैया 1000 से देखे गए हैं। नकली नोट है, चलो भैया ये पैसे सागर के लिए। अरे पर रक्षाबंधन के है ना। नहीं भैया ये मेरी तरफ से सागर के लिए है, आप सागर के लिए कुछ ले लेना मेरे, आप समझाइएगा अभी। जैसा काम वैसा नाम, असली नोट है। अरे पर रक्षाबंधन की है ना। नहीं भैया ये मेरी तरफ से सागर के लिए है, आप सागर के लिए कुछ ले लेना मेरे। क्या हुआ कालू भाई, इतने फास्ट क्यों भी रहे हो? अरे यार इस नोट ने मेरी ले ली। नोट ने ले ली, तुम इसी ले लो। इसकी ले लो? कैसे कैसे ऐसे वैसे ऐसे। अबे यार घर आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, रास्ते में बाद में बात करता हूँ। आंटी जी नमस्ते। थैंक्स। 20 रुपए पानी की बोतल भी आती है 20 रुपए में, चांद का टुकड़ा है। रुपया 200 रुपए कुछ कंसेशन कर लो भाई। लड़की देखी और ये तो सब्जी मंडी में खड़ा क्या ना। सरकारी का भाव मोल कर रहा, लड़की है लड़की ना, दे दे सारे बाकी पैसे दे दो। पैसे भी चाहिए पूरे। जी 1 घंटा मम्मी जी 60 मिनट यस 1 मिनट भी ऊपर नहीं, नहीं तो 200 ओनली 60 मिनट गो मजे करो। ठीक है 2 मिनट बस। और ये कौन है? ये मेरी बेटी है कनिका, जो कुछ करती है सीधी दे जाती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। वक्त ने जा तो फिर मुलाकात होगी तुमसे और कनिका से। सुबह करेंगे ना यार। सुनो ना, ये लास्ट चांस है कालू, अब मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बचा। जो भी था मैंने दे दिया, मैं जो भी पैसे मिले उससे बेचे कुछ काम शुरू करो। अरे यार तू अंगूठी बेच दे, तेरे पास ये है मंगलसूत्र इसको बेच दे, क्या भी बहुत कुछ। कैसी बातें कर रहे हो कालो, मैं मंगलसूत्र कैसे दे सकती हूँ? मंगलसूत्र पत्नी का एक श्रृंगार है, मैं इसको कभी नहीं बेच सकती। सुना एक बार बताऊ, गुलाब कमियां है सब कुछ है, उसके बाद उसे बहुत प्यार क्यों करती है? गुलाब कमियां है लेकिन एक बात है तो सिर्फ मैं जानती हूँ, तुम एक ऐसे पति हो जिसका अपनी पत्नी पे पूरा अधिकार है, चाहे कुछ भी हो जाए
अपनी भूल से कभी नहीं भूलूंगी। नींद आई है लगता है, बोले तो बता देंगे जल्दी क्या है। देख भाई मेरी गलती है, बस करा दो पता बोल दो। मैं हूँ बाबा गांधी। पहले मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं तुझे सड़क पे से उठा के ना लाता ना, तो बाबा के आदमी तुझे जान से मार देते। मुझे पता है कि तू बाबा के पीछे लगा हुआ है, लेकिन बाबा क्या है? एक छोटा सा प्यादा। अच्छा मुझे एक बात बता, अपनी पत्नी को वापस चाहता है सोना? हाँ, समाज में तेरी इज्जत हो जाए। हाँ तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, तुझे तेरी बीवी भी मिलेगी और समाज में खोई हुई इज्जत। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ वैसा कर। आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। कल्याण हो, कल्याण सबका कल्याण ही होगा। हाँ बेटा कल्लू,
बहुत बड़े बड़े काम करने लगा है। अबे तेरे माँ बाप ने तुझे घर से निकाल दिया, तेरी घरवाली तुझे छोड़ के चली गई, और करने के लिए तेरे पास है क्या बे? पास कोई काम धंधा है नहीं। तो करेगा तो इतना बड़ा काम कि हमारे धंधों की माँ बहन करनी शुरू कर देगा तुम्हें। हैं? बेटा कान खोल के सुन ले, बाबा तुम्हारा और इस शहर में जितने इलीगल धंधे होंगे वो हम, चाहे वो चरस का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे वो नकली नोट का धंधा, समझ गया? बेटे मेरे एक बात ध्यान से सुन, हमसे दूर रह, दूर दूर, नहीं तो बेटे इतनी दूर पहुंच जाएगा। प्रभु इसे क्यों अपने पास बुलाना चाह रहा है तू, समझा? नेता जी समझेंगे तो आप, मतलब क्या समझेंगे? ये देख कैमरा और जरा ये देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आप लोगों ने, ये है हमारे शहर के वो प्रतिष्ठित लोग जिसमें हमारे शहर के बच्चा बूढ़ा जवान सब लोग आंख बंद कर विश्वास करते हैं और अपना कीमती वोट देकर इन्हें सत्ता में लाते हैं ताकि ये हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे शहर का और देश का भविष्य सुधार सके। लेकिन ये लोग किस तरह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और ये बाबा लोग, इन्हें हम लोग इतना महत्व देते हैं, यहाँ तक कि इन्हें भगवान तक का ओहदा देते हैं, लेकिन ये हमारी भावनाओं के साथ कैसे खेलते हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, आप इन लोगों पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे, ये बाबा और नेता आप लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसाते रहेंगे। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिन्होंने इस सारे कांड से पर्दा उठाया है, कालू जी। तो कालू जी, आपने इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, इतने बड़े कांड से आपने लोगों को सामने आप ये लाए हैं कांड, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए अच्छा ही लगता है जब समाज में से किसी बुराई का अंत होता है तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। आपको इन सब में डर तो नहीं लगा? देखिए जो डरता तो मैं अपने बाप से नहीं। तो ये आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए जी वो तो मुझे आप ही से मिली है, आप अगर मुझे उस दिन मोटिवेट ना करते तो शायद आज मैं इतना बड़े कांड का खुलासा कर नहीं कर पाता। अच्छा आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ अपनी वाइफ को सोना को कहना चाहूँगा, सोना सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं हूँ ज़्यादा कुछ समझ लिए, और प्लीज घर आ जा, बहुत अकेला खुद को महसूस कर रहा हूँ, सागर हो तुम घर आ जाओ, बस यही कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ कालू जी। अबे सोना का फोन, हाँ सोना, क्या बात है, हर न्यूज चैनल पे छाए हुए हो। सोना मुझे माफ कर दे। मैं माफ कर दूँ? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मैं आपसे कोई गलत काम नहीं करूँ। तुम तो सेलिब्रिटी बन गए हो, तुमसे तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। अरे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बना हूँ यार, प्लीज मुझे माफ कर दे। और वो तुम्हारा नकली नोट? अरे नहीं मैं कोई नकली नोट नहीं चलाऊंगा। प्लीज आ ठीक है, आती हूँ शाम को। आती आए तू आज शाम को? यस सोना लगा दिए, यस।